दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के लोगों से ये सुझाव मांगा है कि क्या जो लोग दिल्ली के बाहर मरीज हैं और वो दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर अपना इलाज कराने आते हैं, क्या उनका इलाज रोक दिया जाना चाहिए। मेरी समझ में अरविंद केजरीवाल का ये समझ, मुझे लगता है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरीके की समझ रखने से, क्योंकि ये जो चीज़ है ये अनएथिकल है, इलीगल है और एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इमोरल भी है। जो बेसिक ह्यूमन राइट है आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, उसका वायलेशन करता है। ये जो रास्ता इन्होंने निकाला, ये खुद में जो है इनकी मानसिकता को दिखाता है कि ये शुरू से ही इनकी कोशिश रही है कि दिल्ली में जो सुविधाएं हैं अस्पताल की हैं या एजुकेशन की है, वो सिर्फ उन लोगों को मिलनी चाहिए जो दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड रखता है, सो दैट कि उनका वोट बैंक जो है वो बना रहे। ये शायद भूल गए हैं कि 1 अक्टूबर 2018 को दिल्ली सरकार ने एक आदेश निकाला था जिसमें ये कहा था कि जो जीटीबी हॉस्पिटल है, जो ईएच खुद चलाते हैं शाहदरा के अंदर, उसके अंदर जो है पहली तारीख से ही जो है जो बाहर के पेशेंट्स आते हैं, जो नेबरिंग स्टेट से पेशेंट आते हैं, उनका इलाज रोक दिया गया। और लगभग 3-4 हज़ार लोग जो ओपीडी में आते थे या आईपीडी में आते थे, उन सब का इलाज इन्होंने रोक दिया। और वहाँ पर अस्पताल में ऑर्डर करके कम से कम 60 बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए अस्पताल के चारों तरफ, जिसमें लिखा था कि आज से बाहर के जो मरीज हैं उनका इलाज इस अस्पताल में नहीं होगा। हमने उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया और दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान में दिल्ली सरकार को काफ़ी लताड़ा और कहा कि ये आदेश आप वापस लो, ये गलत है, ये इनह्यूमन है, ये अनएथिकल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जिद पर अड़े रहे और अंत में दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 14 अक्टूबर को 14 दिन के अंदर ही एक ऑर्डर पास किया जिससे कि वो जो आदेश था दिल्ली सरकार का उसको ख़त्म कर दिया। और तब से जो है दोबारा से बाहर के मरीजों को देखना शुरू हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके की जो सोच है और इस तरीके की जो लोगों से सुझाव मांगना है, ये बुनियादी तौर पर गलत है। अभी कोई व्यक्ति सपोज करो यूपी के अंदर या वेस्ट बंगाल के अंदर कोई मरीज, वहाँ पर जो उसको बीमारी है और जो उसका इलाज के लिए ज़रूरत है वो उसको नहीं वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन वो दिल्ली के सरकारी अस्पताल में अवेलेबल है, तो क्या आप उसको जो है इस बात के लिए मना कर देंगे कि दिल्ली में आप ट्रीटमेंट नहीं ले सकते क्योंकि आप दिल्ली के वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ये बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है। और दिल्ली के अंदर लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो इस तरीके की इनकी गलत धारणा को जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार को ये जो सुझाव मांगे हैं इनको तुरंत वापस लेना चाहिए और अपॉलोजी करनी चाहिए पूरे देश।